रजन खुशी के साथ फिर बोल पड़ता है, इसकी आंखें पूरी तुम पर गई हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रही है, जैसी तुम थी बचपन में। कामेश्वरी यक्षिणी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रजन उससे क्या बोल रहा था। उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि 9 दिनों में उसके साथ हुआ क्या था, रजन ने उसके साथ क्या क्या किया था। रजन फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, देखो कामेश्वरी कितनी सुंदर है हमारी बच्ची, इसे तुमने जन्म दिया है, ये तोहफा देकर तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ, मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मैं यक्षिण लोक का सेनापति बना था, जितनी खुशी मुझे आज हो रही है। लो पकड़ो हमारी बच्ची को। इतना कहकर रजन उस बच्ची को कामेश्वरी यक्षिणी के हाथों में देने लग जाता है। रजन इतने हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी के हाथ में उस बच्ची को देता है कि कामेश्वरी यक्षिणी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है और उसे उस बच्ची को अपनी गोद में पकड़ना पड़ता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी उस बच्ची को अपनी गोद में पकड़ती है तो उसके अंदर की ममता जागने लगती है। उसे एक अलग ही एहसास होने लग जाता है, माँ बनने का एहसास, वो एहसास जिसकी जरूरत हर स्त्री को उसकी जिंदगी में होती है। विवाह के बाद एक औरत यही तो ख्वाब देखती है, माँ बनने का, वो सुख जो खुश नसीब औरत को नसीब होता है। कामेश्वरी यक्षिणी उस बच्चे का चेहरा देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी सुंदर बच्ची। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस बच्ची का माथा चूमने लग जाती है, उसे लाड दुलार करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी को बच्ची को इस तरह प्यार करता हुआ देख रजन भी मन ही मन खुश होने लग जाता है। उसे कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में उस बच्ची के लिए ममता साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उस बच्ची में अपना ही रूप देख रही हो, अपना बचपन याद कर रही हो। उस बच्ची का चेहरा देखते हुए ही कामेश्वरी यक्षिणी की नजर जब उस बच्ची की आंखों पर पड़ती है और वो उसकी आंखों में एकटक देखती है तो कामेश्वरी यक्षिणी का सिर घूमने लग जाता है, उसका सिर भारी होने लग जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि इतने दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। उसे तब से अब तक की सब बातें याद आने लग जाती है। एक एक करके 9 दिनों के सारे पल कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों के सामने से गुजरने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो पल कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे, कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उसके मन में रजन के लिए घृणा बढ़ती जा रही थी और वो घृणा का गुस्सा कामेश्वरी यक्षिणी की गुस्से से भरी लाल आंखों में साफ नजर आ रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ रजन पर चीखते हुए कहती है, रजन ये तूने क्या किया। जब रजन के कानों तक कामेश्वरी यक्षिणी की ये दहाड़ते हुए आवाज पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो डर से कांप जाता है। रजन मन में सोचने लग जाता है, ये कामेश्वरी यक्षिणी को अचानक क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पर, अभी तक तो इसका मन ठीक था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर रजन पर दहाड़ते हुए कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रजन, तूने ये अच्छा नहीं किया। जब रजन कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि कामदेव वशीकरण मंत्र का वो सम्मोहन जिसमें 9 दिनों से कामेश्वरी यक्षिणी फंसी हुई थी वो टूट गया था। रजन मन में घबराते हुए कहता है, लगता है सम्मोहन टूट गया है, तभी इस कामेश्वरी की मेरे सामने इतनी जुबान खुल रही है, वरना ये इतनी ऊंची आवाज में मेरे सामने कहां बात करती है। लगता है मुझे फिर से कामदेव वशीकरण मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तभी ये मेरे काबू में आएगी। ये सब सोचते हुए रजन फिर से कामदेव वशीकरण मंत्र कामेश्वरी यक्षिणी के सामने पढ़ने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहीं पर रुक जाता है। कामदेव वशीकरण मंत्र नहीं पढ़ता है। रजन मन में सोचता है, नहीं रजन, अब तुझे कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू देख नहीं रहा है कि कामेश्वरी के हाथ में तेरी बच्ची है और वो तेरे बच्चे की सिर्फ माँ ही नहीं है बल्कि तेरी पत्नी भी है। तूने उसके साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया है, अब ना ही तुझे उससे डरने की जरूरत है ना ही कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत है। कामेश्वरी को तेरे सामने अब झुकना ही होगा, तू ही कामेश्वरी का अब सब कुछ है, आखिर तू उसका पति है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर गुस्से के साथ रजन से बोल पड़ती है, ये तूने क्या किया रजन। रजन बिना कोई पछतावे के बड़े ही ताव के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था कामेश्वरी, मैंने तेरे साथ विवाह किया है। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, तूने मेरे साथ विवाह नहीं किया है रजन, तूने मेरी आबरू लूटी है, आबरू, वो आबरू जो एक स्त्री के लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। रजन कामेश्वरी यक्षिणी की बात से इनकार करते हुए कहता है, मैंने तेरी कोई आबरू नहीं लूटी है कामेश्वरी, मैंने तो तेरे साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया है, फिर उसके बाद वो सब किया है जो एक पति सुहागरात की रात अपनी पत्नी के साथ करता है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तू किस रीति रिवाज की बात कर रहा है रचन, वो रीति रिवाज जिसमें सारे रिवाजों में मैं सम्मोहित थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। रजन चुप ही रहता है, वो कामेश्वरी यक्षिणी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे पाता है। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ फिर बोल पड़ती है,
मुझ पर कामदेव वशीकरण मंत्र का उपयोग करके तूने अच्छा नहीं किया रजन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रजन हंसते हुए कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती कामेश्वरी, भूल मत तू अब मेरी पत्नी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे अपनी पत्नी मत बोल रजन, मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मैं तुझे मार दूंगी। रजन हंसते हुए ही कहता है, ये धमकियां तू किसी और को देना कामेश्वरी, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है, आखिर मैं तेरा पति हूँ। अपने पति को मारकर तू उम्र भर विधवा बनकर ये जीवन बिल्कुल नहीं बिताना चाहेगी। फिर पति कहने से कामेश्वरी यक्षिणी अपना आपा खो बैठती है। वो उसी वक्त अपनी बच्ची को लेकर उठते हुए कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रजन, मैं तुझे मार दूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी ने रजन को मारने के लिए अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहीं पर मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। रजन भी एकटक कामेश्वरी यक्षिणी को देखते रहता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि कामेश्वरी यक्षिणी उसे बिल्कुल भी नहीं मारेगी। और अब कामेश्वरी यक्षिणी को इस तरह रुकता हुआ देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश होने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी नामे अपना सिर हिलाते हुए रजन से कहती है, नहीं रजन, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तुझे नहीं मार सकती। रजन को लगने लग जाता है कि उसने कामेश्वरी यक्षिणी के मन पर जीत हासिल कर ली थी। उसी जीत के घमंड के साथ रजन बड़े ही ताव से कहता है, अब आई ना तू लाइन पर कामेश्वरी, ऐसे ही अब जिंदगी भर मेरे सामने आवाज नीचे करके ही। रजन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, मैं तुझे नहीं मारूंगी रजन, क्योंकि जो पाप तूने किया है उस पाप के लिए मौत भी बहुत छोटी सजा होगी। तेरे पाप के लिए मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि आज के बाद कभी कोई मर्द ऐसा पाप करने की सोचेगा तक नहीं, कभी किसी स्त्री की मर्जी के बिना ना ही उससे विवाह करने की सोचेगा, ना ही उसके बदन को छूने की कोशिश करेगा। कामेश्वरी का बदला हुआ ये स्वरूप देखकर रजन घबराने लग जाता है। वो कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ रजन से बोल पड़ती है, तुझे अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है ना रजन, आज मैं तुझसे तेरी सारी मर्दानगी छीन लूंगी। मैं कामेश्वरी यक्षिणी, यक्षिण लोक की महारानी, तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद तू अपना सारा जीवन एक नपुंसक बनकर जिएगा, कभी किसी स्त्री के साथ रासलीला नहीं रचा पाएगा। ये श्राप देने के साथ ही मैं तुझसे तेरी सारी शक्तियां छीनती हूँ। आज से तू शक्तिहीन तो रहेगा ही, साथ में मेरी तरह इसी लोक में सदैव के लिए फंसा रह जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, कामेश्वरी यक्षिणी का श्राप। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी रजन को श्राप देती है, रजन कसकर चीख पड़ता है, नहीं कामेश्वरी। रजन की इसी चीख के साथ ही उसे कामेश्वरी यक्षिणी का श्राप लग जाता है। जैसे ही रजन को कामेश्वरी यक्षिणी का श्राप लगता है, वो मंत्रों की शक्तियां जिससे रजन ने ग्रेवयार्ड कोठी को सजाया था, वो सारे मंत्रों का जादू खत्म होने लग जाता है। रूम नंबर 666 भी अपने आप पहले की तरह होने लग जाता है, उसके अंदर किताबें जमने लग जाती हैं। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बाहर वो फूलों लाइटों की सारी सजावटें जो रजन ने की थी वो गायब हो जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी वापस से डरावनी दिखने लग जाती है। रजन ने कभी नहीं सोचा था कि कामेश्वरी यक्षिणी उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। रजन समझ गया था कि परिस्थिति उसके हाथ से निकलने लग गई थी। रजन उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कामदेव वशीकरण मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवामी, यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इतना कहकर रजन कामेश्वरी यक्षिणी पर अपनी नजरें गड़ा देता है। कामेश्वरी यक्षिणी के हाव भाव बदलने का इंतजार करने लग जाता है, पर कामेश्वरी यक्षिणी उसे पहले की तरह ही गुस्से के साथ घूरते रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी अपने अंदर की आग से उसे भस्म कर देगी। कामेश्वरी यक्षिणी रजन से कहती है, तुझे मेरा श्राप लग चुका है रजन, मैं तुझसे तेरी सारी शक्तियां छीन चुकी हूँ, अब तेरे इन मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। रजन घबराते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरी शक्तियां मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर रजन फिर एक बार कामदेव वशीकरण मंत्र का जाप करता है, पर इस बार भी कामेश्वरी यक्षिणी पर उस मंत्र का कुछ असर नहीं होता है। रजन दूसरा मंत्र पढ़ता है, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। उसके किसी भी मंत्र का असर कामेश्वरी यक्षिणी पर नहीं हो रहा था, न ही वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर पा रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी रजन से कहती है, तू जो चाहे वो मंत्र पढ़ ले रजन, पर अब तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरी सारी शक्तियां छीन चुकी हूँ। रजन को भी खुद अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लग गई थी, इसलिए अब दोबारा वो कोई मंत्र नहीं पढ़ता है। अपने आप को शक्तिहीन पाता देख रजन को कामेश्वरी यक्षिणी पर गुस्सा आने लग जाता है। रजन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, ये तूने क्या किया कामेश्वरी, क्या किया मेरे साथ। कामेश्वरी यक्षिणी रजन को उसी के पहले वाले अंदाज में जवाब देते हुए कहती है,
मैंने वही किया रजन जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तेरे पापों की सजा। रजन चुप खड़ा रहता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मुझे तो उस रात तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था, उसी रात तेरा अंत कर देना चाहिए था। अगर उस रात मैंने तुझे मार दिया होता तो आज ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो कभी नहीं होता। रजन को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। उसे समझ आने लग जाता है कि उसने कामेश्वरी यक्षिणी के साथ जो भी किया था बहुत गलत किया था, और ये पछतावा रजन की नम होती हुई आंखों में साफ नजर आ रहा था। देखते ही देखते रजन की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लग जाते हैं। रजन रोने लग जाता है। रजन कामेश्वरी यक्षिणी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो कामेश्वरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कामेश्वरी यक्षिणी बस गुस्से के साथ ही रजन को देखते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। रजन कामेश्वरी यक्षिणी के पैर पकड़ते हुए फिर रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कामेश्वरी, मुझे माफ कर दो। तुम ही बताओ, बिना शक्ति और पुरुषत्व के मैं कैसे ये जिंदगी जी पाऊंगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, ये सब तो तुझे तब सोचना चाहिए था रजन, जब सम्मोहन का फायदा उठाकर तू मेरी आबरू के साथ खेल रहा था, मेरी आबरू लूट रहा था। रजन रोते हुए कहता है, नहीं कामेश्वरी, मैं तुम्हारी आबरू नहीं लूट रहा था, मैं तो वही सब कर रहा था जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। तुम खुद जरा सोचो, अगर मुझे तुम्हारी आबरू ही लूटनी होती तो मैं तुमसे विवाह ही क्यों करता, आधा वक्त उसमें क्यों बर्बाद करता। मेरा मकसद तुम्हारी आबरू लूटना नहीं कामेश्वरी, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कामेश्वरी, बहुत प्यार। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अगर तू मुझसे सच में प्यार करता रजन, तो कभी मुझ पर कामदेव वशीकरण मंत्र का उपयोग नहीं करता, मेरी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता, पर तेरा मकसद तो मुझे सम्मोहित कर अपनी पत्नी बनाना था, ताकि पत्नी बनाने के बाद रोज तू मेरी आबरू लूटता रहे, वो भी मेरी मर्जी के बिना, है ना रजन। रजन चुप ही रहता है, जैसे कामेश्वरी यक्षिणी ने एकदम सही बात बोली थी, रजन के मन में यही था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ रजन को घूरते हुए कहती है, तेरे पाप की सजा ये श्राप ही है रजन। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।